जो भी आए मेरी तरफ से अच्छे अल्फाज लेके हमारे मुल्क के लिए आए, हम किसी को कुछ नहीं। इमरान खान से तो हम सारे काफी ज्यादा वो लोग हैं, बहुत ज्यादा। खान साहब मोहब्बत करके औरंगजेब को लाएगा, हमारे लिए जो भी आए बेहतर आए बस। वैसे निकालना तो उसे कान से पकड़ के चाहिए जैसे उसने हरकतें करी हुई। जो इमरान खान ने हाल किया है उसके तो गालियां भी कुछ भी नहीं कहती है, छड्डे ठुड्डे मुक्के मारने चाहिए उसे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नाजरीन मैं हूँ आपका अपना सरफराज भिकी अल मशहूर तुसरा। नाजरीन मैंने कान पकड़े हुए हैं, सिर्फ इसलिए पकड़े हुए हैं कि मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा है कि मैं अगर खान साहब प्यार मोहब्बत से नहीं जाएंगे तो हम उन्हें कान पकड़ कर निकालेंगे, यानी कि कान पकड़ कर निकालेंगे और उस करप्शन का हिसाब जो है वो आवाम ही लेगी। और मेरे कान से छुड़ाओ, कोई दे आगे छुड़ाओ खुदा ला बात। अच्छा ओके, छोड़ दिए मैंने कान तो नाजरीन आए, मैंने तो कान पकड़ लिए हैं, लेकिन मरियम औरंगजेब साहिबा खान साहब को कान पकड़ के कैसे निकालेंगी? ऐसे निकालेंगी जैसे क्लास से टीचर निकाल देती है बच्चे को कान पकड़ के, या बाप जिस तरह कान पकड़ के घर से निकाल देता है, कैसे निकालेंगे कान पकड़ के? ये मेरी समझ में नहीं आ रही बात। और करप्शन का हिसाब है वो आवाम लेगी उससे। आइए मेरे साथ रहिए, आवाम से ही बात करते हैं। माँ जी शॉपिंग कर रहे हैं आप, माशाल्लाह तस्वीर भी कर रही हैं, साथ साथ शॉपिंग भी कर रही हैं। मसलन तस्वीर से की कही जा रहे हो, कटालवे पैसे, कटालवे पैसे, यल्ला पाक बंदर नु मगरो लाओ। मरियम औरंगजेब कह रही हैं कि अगर ये मोहब्बत से ना गया तो हम कान पकड़ के निकालेंगे इसको। हम भी उसके साथ हैं, साथ हैं। और करप्शन का हिसाब आवाम लेगी इसे। हाँ बिल्कुल, मरियम निवाज आ जाए, कोई भी आ जाए, बस आप मगरों ले जावे। सही कह रही है वो मरियम औरंगजेब, सही कह रही है, सही कह रही है। कजन है तेरी मदन से? नहीं, और शक्ल को कह रहे, शक्ल भी मिलती है नहीं। कैसे कान पकड़ के निकालेगी? मतलब किस तरह कान फाड़ के? एंजी कान फाड़ के कटेगी, एंजी कान फाड़ के कटेगी, मतलब कान फाड़े तो चल, हाँ चल चलिए। तो अब हम करप्शन का हिसाब लेगी, लेगी क्यों नहीं? इतने प्यारे आदमी हो, कैमरे के सामने क्यों नहीं आते हो? जो भी आए मेरी तरफ से अच्छे अल्फाज लेके हमारे मुल्क के लिए आए, हम किसी को कुछ नहीं कहते। हम किसी को कुछ नहीं कहते, ये अवाम का कहना है। इमरान खान से तो हम सारे काफी ज्यादा वो लोग हैं, फेटअप हो गए, बहुत ज्यादा। सही बात है, हाँ, वो जाहिर है, जब आपको डिफेंस छोड़ के इशरे आना पड़ेगा तो हाँ, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। नहीं तो वहीं से शॉपिंग करती है, बिल्कुल वहीं से करती है। तो आप सस्ती चीजें ढूंढ रही हैं? जी बिल्कुल, इकोनॉमिकल, हम इकोनॉमिकल चीजें ढूंढ रहे हैं। खान साहब मोहब्बत करके औरंगजेब को लाएगा, हाँ जी, मोहब्बत कर, मोहब्बत करके लाएगा खान साहब उसको। जी खान साहब के भी जो हुकूमत है 5 साल उसको भी पूरा करने दो, पूरा करने, ठीक है। जब आप लोग की हुकूमत आएगी तो देखा जाएगा आप लोग पाकिस्तान के आवाम के साथ क्या राय देंगे आप लोग। बिल्कुल सही बात है। अच्छा देखते बैठ के खाते हो या चूल्हे थे? चूल्हे। अच्छा यार बिलाल भाई, ये तो सारी मोहब्बत प्यार वाली बातें होती हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही हैं कि खान साहब को ना अगर मोहब्बत से नहीं जाएंगे, प्यार से नहीं जाएंगे, खुद नहीं जाएंगे तो हम कान पकड़ कर निकालेंगे और करप्शन का हिसाब आवाम खुद ले लेगी इनसे। मैं अनपढ़ा, मैंने नहीं पता है। देख लो तुसी मुंह कह रहे हो, कहंदे मैं अनपढ़ हां। यानी अनपढ़ वो तो सानू पता है कि अनपढ़ तंदूर भी तेन वेख के तौबा करने लग पैंदा कि बस कर दे किन्नियां कलावां हुण। क्या पैगाम, एक पैगाम तो देना, पैगाम ही आपको निकाल देना चाहिए। मैं कुछ कह नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता। हमारे लिए जो भी आए बेहतर आए बस। बस ये है कि हमारे लिए जो भी आए वो बेहतर आना चाहिए। जारी सी बात है भाई, क्योंकि अब आवाम के हाथ में देखे ना, अब इनको लाया भी आवाम नहीं है, ठीक है? है उसके बाद में जाहिर सी बात है, जब आप मेरे लिए अच्छा नहीं सोचेंगे मैं आपके लिए कैसे अच्छा सोच सकता हूँ? वेरी गुड बात है। नहीं ना सोच सकता, नहीं मैं आपके लिए अच्छा सोचूंगा। मैं इमरान खान साहब को इसमें रखे ना कि वो हमारे लिए अच्छा सोचेंगे तो हम उनके लिए अच्छा सोचेंगे ना। देखा जी मजदूर इंज करके सीमेंट सुट देने कांडी नाल। हाँ जी हाँ जी, उधर का मुझे सही कह रहे हैं ना वो, वो सही कह रहे हैं, हाँ वो सही कह रहे हैं। जो इमरान खान ने हाल किया है उसके तो गालियां भी कुछ भी नहीं कहती है, छड्डे ठुड्डे मुक्के मारने चाहिए उसे। ओह माय गॉड, शेर शेर ही है, वो दोबारा आए हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। वेरी गुड जी, वो दोबारा आ जाए, बहरहाल ये इनका कहना है। मेरा नहीं, सारी वाम का यही कहना है, सारी वाम का यही। हाँ जी, क्योंकि जितना खपा दिया ना इमरान खान ने उसे गालियां पड़ रही हैं अब। बिल्कुल सही गल है, तो शेर शेर ही है, शेर शेर ही वो। जैसे भी था वैसे हुकूमत को सुकून था, अवाम को भी सुकून था।
इतनी मुश्किलें नहीं थी जब अब हो गई हैं। अब हो गई हैं जितनी मुश्किलें। लॉकडाउन लॉकडाउन मेरा 18 तारीख नु ब्याह है। 18 तारीख नु है। हां अगले महीने मैं कह रहा कैंसिल कर दे जा ही लंदे एक बारी। नहीं नहीं कोई नहीं उस तो पहले जी लॉकडाउन लग जाना ना ब्याह वाली डेट भेज दे मैं तुम्हें। नहीं ना पाए ना के बड़ी मुश्किल पई जे। माशाल्लाह बाजार में फुल शॉपिंग हो रही है जी। आज सोच लिया कि सारे पैसे खर्च करके जाने हैं। बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है, महंगा लग रहा है सस्ता लग रहा है? अभी तो आए हैं, अभी तो पता ही नहीं कुछ सस्ता है या महंगा। नाम इमरान खान से एग्री है, नाम मरियम औरंगजेब से एग्री एग्री नो किसी से भी नहीं एग्री। वैसे निकालना तो उसे कान से पकड़ के चाहिए जैसे उसने हरकतें करी हुई इमरान खान। बहरहाल जी कह रहे हैं कि जैसी उनकी हरकतें हैं। बहरहाल ये मेरी बहन बड़ी अच्छी हैं, अल्लाह इनकी ज़िंदगी करे। ये बाजी हमने हंसाना होता है लोगों को, थोड़ा सा आवाम को अवेयरनेस देनी होती है ख़बर की, कि उन तक ये खबर पहुंचानी होती है किसका क्या बयान आता है। बहरहाल हमने हंसाना होता है, हंसी वाली ज़िंदगी देनी होती है, आंसू चुराने होते हैं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लानी होती है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और अल्लाह पे यकीन रखें, वही सब कुछ करने वाला है। मस्क्रिया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें। मस्क्रिया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है, क्योंकि ससुरा आपके साथ है।